प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। वो भारत के हैं मोदी जिन्होंने घर घर कब्र खोदी। जब संविधान बचेगा तो आप भी बचेंगे, जब संविधान बचेगा तो मैं कपड़े पहनूंगा, जब संविधान बचेगा तो आप क्या खाएंगे वो मिलेगा। दरअसल मैं आपको ये नहीं मालूम था हिंदू क्या होता है, मुस्लिम क्या होता है। कि इंडिया अलायंस के जो विधायक है यहाँ के, इन्होंने हमेशा भूख छापी है क्योंकि ये मुमरा में ये जो कैंसर है ना, ये 6 महीने के बाद जाने वाला है। वो वोट अपने बचाने के लिए ये लोग यहाँ पर जाति और धर्म का कार्ड इस्तेमाल करके। 70 साल में आपको ये नहीं मालूम था ईडी क्या होती है, रॉ क्या होता है। अच्छा यहाँ रहते तो भ्रष्टाचार, वहाँ चलिए तो साफ सुथरा। साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं है, ये अपना संविधान इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014 में शरद पवार का बीजेपी को समर्थन देने की मकसद अलग थी, जिसने कहा था कि 400 सीट आप बीजेपी को दीजिए, बीजेपी जो है जिससे संविधान को खत्म कर देगी वगैरह है। और ओबीसी वगैरह है, दलित समाज के लोग है, ये लोग ने इनका साथ देना छोड़ दिया, तो ये लोग ने 400 बार का नारा खत्म कर दिया। अगर 400 लाना है तो पाकिस्तान भी जाके लड़ना पड़ेगा, बांग्लादेश भी जाके लड़ना पड़ेगा। मुसलमान जो है वो घुसपैठी है, अधूरा अधूरा सच क्यों बता रहे आप नेता के कार्यकर्ता, आप चर्ची है क्या? अमरुद भारत 12 रेलवे स्टेशन है जिसमें मुमरा रेलवे स्टेशन शामिल है। कि कोई भी अच्छी स्कीम जब लाई जाती है तो ये उनका इनका सिर्फ क्या काम है, इंडिया अलायंस का, सिर्फ विरोध करो तो पाकिस्तान की तरह 1400 रुपए किलो का आटा खरीदना पड़ता। मंदिर, मुसलमान, पाकिस्तान, उनके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं है। उस संविधान की धज्जियां अगर किसी ने उतारी है, उड़ाई है, तो भारतीय जनता पार्टी। कितने ऐसे बच्चे फॉरेन में जाके जॉब करते हैं, मोदी जी आज कमाल है। अरे तो कमाल है कि हिंदुस्तान के अंदर फीस इतनी महंगी हो चुकी है, तो शिवसेना को हमेशा यहाँ पर 10,000-12,000 मुमरा से वोट मिला है, तो जो सांसद है वो उतना ही ध्यान देगा यहाँ पर। अपना खुद का बनाया हुआ 2,000 का नोट 5 साल नहीं चला पाई, वो देश को चलाएगी क्या? आवाज एक नंबर का झूठा। मैं इस भारतीय जनता पार्टी को एक नाम दिया हूँ, भारत जलाओ पार्टी। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप सभी को मालूम है, और इस लोकसभा चुनाव में कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव जो है वो काफ़ी अहम है। पक्ष विपक्ष दोनों एक तरफ से जो है दूसरे पर वार पलट वार भी कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ जो है मौजूद है तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे कि आपको बताएंगे कि बीजेपी कौसा मंडल के अध्यक्ष हैं सुहेल जुल्फिकार, ये यहाँ पर मौजूद हैं। इनके अलावा जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सलमान रिजवी हमारे साथ मौजूद है, और शिवसेना शिंदे गुट के मुमरा शहर प्रमुख मुबीन सुरवे यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। और आपको बता दें कि अयाज बबलू जो एनसीपी शरद पवार चंद पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको भी बुलाया गया था, लेकिन वो जो है कह रहे थे आ रहे हैं लेकिन अब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तब तक हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। से पहले बात करेंगे हम बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, सुहेल जुल्फिकार से। सुहेल जुल्फिकार, क्या बताएंगे आप, लोकसभा चुनाव है, कल्याण लोकसभा से जो है चुनाव प्रचार जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, आप लोग जो है श्रीकांत शिंदे के प्रचार में लगे हुए हैं, ऐसे विकास के कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर शहर में चर्चाएं हो रही हैं कि श्रीकांत शिंदे ने ये विकास का काम नहीं किया है, आप लोग जो है प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों के सामने भी कई बातें जनता ने रखी हैं, क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। इस्लामुद्दीन भाई, 24 नंबर लोकसभा जिसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट के हम लोग और हमारी जो महायुति के जितने भी पार्टी के लोग हैं हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक तरफा, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये पूरा इलेक्शन एक तरफा इलेक्शन है, एकदम सीधा सीधा। जिस तरफा बोले तो, एक तरफा बोले तो सामने वाला कैंडिडेट एक्टिव ही नहीं है इस तरीके से माना जाता है, कि उनकी एक्टिविटी ऐसी है कि आप एक चीज़ देखिए कि उनकी एक महत्वपूर्ण सभा हुई महाविकास आघाड़ी की, यहाँ पे नूरबाग पे ही, एमएम वैली पे, शिमला पार्क के सामने 10 बजे तक की परमिशन रहती है स्पीच करने की, अपने प्रचार करने की, और वो कैंडिडेट
जानबूझ के 10:10 पे पहुँचे कि ताकि उनको प्रचार करना है नहीं करना है, डर रहे हैं, कंफ्यूज है। नहीं, लेकिन वहाँ तो बताया गया कि उनको आने में देरी हो गई, ट्रैफिक इशू था, ट्रेन से आई वो। जो नेता होता है जिस एरिया में जब वो प्रचार करता है, किसी को आने में देर हो जाए तो आप कैसे डर? नहीं नहीं, आप मैं बताता हूँ ना आपको, अगर या तो फिर इम्पोर्टेंस ही नहीं है ये क्षेत्र, उनके लिए इम्पोर्टेंस ही नहीं है। आप ये समझिए, अगर किसी एरिया में अगर आप किसी भी नेता का इलेक्शन रहता है तो वो उस वक्त पे वहीं पे डेरा डाल के बैठ जाता है जनरली, और या तो उनके लोग, उनके प्रतिनिधि काम करते हैं। आप बता दीजिए ना, शिवसेना उद्धव गुट जी, मतलब हम तो उनको मान्यता नहीं देते, लेकिन उद्धव गुट का मुमरा कलवा में मान्यता नहीं देते, मतलब क्या आप सर्टिफिकेट देंगे तब पार्टी रहेगी? सर्टिफिकेट तो नहीं देंगे, लेकिन आप, मैं आपको अभी साबित कर देता हूँ ना, आप बता दीजिए उद्धव गुट का इस शहर, इस विधानसभा में कौन सा नेता उद्धव गुट को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप नाम बता दीजिए इस विधानसभा में। बहुत से नेता कार्य, यही मैं बता रहा हूँ, कार्यकर्ता है, कोई नेता उनका बचा नहीं, कोई भी नेता उनके रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार नहीं है। एनसीपी के लोग दूर भाग रहे, उद्धव गुट के लोग दूर भाग रहे, छुप रहे, अपने चेहरे छुपा रहे, ये किस तरीके से ये लोग अपने भाई आप जवाब दीजिए। देखिए कैसा है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस की जो मीटिंग नूरबाग में रखी गई थी उसमें जो कैंडिडेट है वो देर से पहुंची। मैं इनको ये बता दूं कि वो जो कैंडिडेट वैशाली दरेकर है उसका एरिया सिर्फ शिमला पार्क और कौसा मुमरा कलवा नहीं है, कल्याण लोकसभा का क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, इनको खुद भी आने में देर हुई होगी, यहाँ पर आपसे पहले तो नहीं पहुँचे होंगे, एक मिसाल आपसे पहले थोड़ी ना पहुँचे होंगे, कहीं ना कहीं कोई भी मीटिंग, आप भी ऑफिस जाते होंगे, ज़रूर थोड़ा है 9:30 की पंचिंग है तो 9:30 की पंचिंग करेंगे आप, कभी कभी 9:45 भी होता है। क्यों? क्योंकि आप उस तरीके से तैयारी करके जाते हो। रोड अभी इन्हीं के खासदार जो 2 बार से सांसद चुन के आ रहे हैं, अच्छा लेट उनको क्यों आने जाने में लेट होता है? मुद्दा जैसे कि आरोप, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ एमपी ने काम नहीं किया। अरे नहीं, क्या काम नहीं? अरे इसीलिए तो लेट हुआ कि वो ट्रैफिक में फंस गई। आज तक 2 साल से सांसद है, रोड नहीं बना पा रहे अपने क्षेत्र का। कल्याण से आप आइए मुमरा के लिए 3 घंटे लगते, वो क्यों पहुँच रहे बराबर? इनको लेट इसीलिए हुआ कि ट्रैफिक थी, उनको किसी तरीके से ट्रैफिक को देखते हुए फिर ट्रेन से आई तो हमारे यूथ के, कांग्रेस यूथ के लोग उनको जाके लेके आए, तो 5-10 मिनट तो आगे पीछे होगा ना लेट। उनको बोलिए ना 2 साल से सांसद है और 1 साल तो ऐसा है उनके खुद डैडी जो एकनाथ शिंदे वो मुख्यमंत्री है, उनकी निधि से बनवा लो ना, उनकी निधि से बनवा लो। जब नहीं ला पा रहे हो सेंट्रल से निधि तो अपने स्टेट की निधि यूज़ करके बनवाओ। तो कहीं ना कहीं सवाल ऐसा उठ रहा है कि जो एमपी थे यहाँ दस साल से उन्होंने क्या क्या काम यहाँ पर नहीं किया, ऐसा जो आप लोग आरोप लगा रहे कि काम नहीं किए तो क्या काम नहीं किया? भैया आप ही बताइए, आप भी तो इस शहर में रह रहे हो, जितना डॉक्टर श्रीकांत शिंदे अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग में कम से कम 100 बार इस मुमरा के अंदर आ चुके हैं, वही श्रीकांत शिंदे 2 बार सांसद के अंदर, आप एक न्यूज़ बताइए ना कि मुमरा के शहर के अंदर दौरा किया, गटर का दौरा किया हो, रोड का दौरा किया हो। वो रेलवे का जो प्रोजेक्ट चालू था ना स्टेशन का, उसके बाद रेलवे का जो स्टेशन था वो बनने के बाद आए थे, वो भी जब शहर के आमदार उस प्रोजेक्ट पे गए और जो हलचल मची तो यहाँ के लोगों ने उनको फोन करके बताया कि भाई जो लोकल आमदार है इसका क्रेडिट लेने जा रहा होगा, तो फिर वो वाक्य है नहीं तो 10 साल में कहाँ है वो? आप बताओ ना, शहर के अंदर आप भी तो रह रहे, हम भी रह रहे हैं। इनका तो कहना है कि क्रेडिट लेने के बाद सामने आई तो फिर आए वो शहर में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय महाराष्ट्र। जहाँ तक के कामों की बात है तो हमारे जो खासदार है, जो ऑलरेडी 10 साल से यहाँ से खासदार है, तो हम लोग लोगों के बीच में जाने से पहले हमने हमारे काम के अहवाल लोगों तक पहुँचा है कि हमने ये काम किया है और ये कामों को हमारे देखकर हमको वोट दिया जाए, सबसे पहला ये। और बाकी जैसा इनके इंडिया अलायंस के जो विधायक हैं यहाँ के, इन्होंने हमेशा बुक छापी है, आपको पता है कि ये काम हम करेंगे, ये काम करेंगे, ये आपसे छुपी बात नहीं है, उसमें से कौन से काम हुए? हम तो कामों को लेके जा रहे हैं ना कि हमने ये काम किया है आप लोगों का। और उसके बाद में अभी जो वर्क इन प्रोग्रेस मैं बताना चाहूँगा कि 12 स्टेशंस अमृत भारत के नाम से यहाँ पर सैंक्शन है, जिसमें मुमरा रेलवे स्टेशन भी, आप चाहे तो मुमरा रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट विंडो के बाजू में तख्ती लगी हुई है उसको देख लो, वो तख्ती पे लिखा हुआ है कि दिस स्टेशन इज सैंक्शन फॉर अमृत भारत स्टेशन।
वो एक काम हो गया। उसके बाद में ऐरोली से कटई, ऐरोली कटई महामार्ग है, वो भी एकदम जोरों से काम चल रहा है और तकरीबन मुझको लगता है 2-4 महीने में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। उसके बाद में इतने ब्रिजेस हम लोगों ने बनाए हुए हैं, तो इन लोगों को ये काम हमारे दिखने में नहीं आ रहे। इन लोग सिर्फ है ना आज धर्म की राजनीति मुमरा में की जा रही है कि अपने वोट कहीं इतने विकास को देख के लोग कहीं शिवसेना को वोट देने नहीं लग जाए, इसके लिए वो वोट बचाने के लिए यहाँ पर ठीक है बोलिए वो वोट अपने बचाने के लिए ये लोग यहाँ पर जाति और धर्म का कार्ड इस्तेमाल करके अपने वोट जो सटकने वाले उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। जाति धर्म का बात कर रहे हैं लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार जो है जात धर्म का कार्ड चल नहीं रहा है और इस वजह से जो है महायुति वो काफ़ी परेशान है क्योंकि इंडिया अलायंस के पक्ष में जो है लोग जा रहे हैं। देखो अभी ये तो रिजल्ट ही बताएगा। एक जो लोकसभा क्षेत्र है 24 कल्याण, इसमें 6 विधानसभाएं आती है। आपको क्या लग रहा है धर्म जाति का कार्ड चल नहीं रहा है? भैया देखिए एकदम साफ क्लियर है धर्म और राजनीति की बात ये जो कर रहे हैं कि हम लोग धर्म और राजनीति इलेक्शन नहीं लड़ते। आप ये बताइए 2014 से पहले जो सरकार थी जो 70 साल इतिहास का मतलब पन्ना उठा के देखिए 70 साल में इंसान रोया नहीं। 70 साल में आपको ये नहीं मालूम था हिंदू क्या होता है मुस्लिम क्या होता है। 70 साल में आपको ये नहीं मालूम था कि मंदिर है मस्जिद है। 70 साल में आपको ये नहीं मालूम था ईडी क्या होती है रॉ क्या होता है। आप ये देखें कि इतने बड़े बड़े नेता को अपने पास लेने के बाद अच्छा यहाँ रहता तो भ्रष्टाचार वहाँ चले जाए तो साफ सुथरा ये बता साफ सुथरा कैसे हो जा रहे हैं। आप मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। आप ये देखिए 2014 से पहले कोई गौ रक्षक नाम की संस्था नहीं थी। 2014 के बाद हर जगह आप देखिए गौ रक्षक के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो क्या था? आप बीजेपी से हैं, आप इस बात को मानते हैं कि देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं कई हुई, गाय के नाम पर मार दिया गया, घोष के नाम पर मार दिया गया, लोगों की हंडी बर्तन चेक किया गया, ऐसे कितनी वारदातें जो सामने आई। कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव जो है जो महायुति बीजेपी है इसको जो है अंजाम ये देखना पड़ रहा है कि आज कहीं ना कहीं लोग जो है दूसरी पार्टी जैसे इंडिया अलायंस इसका ज़्यादातर लोगों का रुझान हो रहा है, समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। नहीं ऐसी आपने जैसा बताया कि मॉब लिंचिंग का जितने भी मामले हुए पूरे देश के अंदर वो तो बहुत दुखद है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया है। इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर एक कानून बना के लेके आया है मॉब लिंचिंग के ऊपर कि अगर मॉब लिंचिंग अगर कोई करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा हो। ये बहुत सारे केसेस होने के बाद ऐसा निर्णय होम मिनिस्ट्री की तरफ से लिया गया है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें देश में होती है। इन्होंने बताया कि पिछले 70 साल में कभी हिंदू मुस्लिम पता ही नहीं था। इन्होंने बताया कि पिछले 70 साल में कोई रोया ही नहीं तो लाखों लोगों के घर उजड़ चुके हैं, हजारों लोगों का ऐसा हुआ है कि दंगे में बहुत सारी क्षतिग्रस्त हुई है। तो वो सब चीज़ का जिम्मा किसका है? उस वो भी सब भाजपा का है। भैया कैसा है कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर चलाकर घर तोड़ दिया गया, किसी एक ने गुनाह किया उसकी सजा पूरे परिवार को दी जा रही है। फला का बुलडोजर क्या देखिए बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं है, ये अपना संविधान इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं ऐसी कोई भी घटना मेरे हिसाब से महाराष्ट्र स्टेट में तो ऐसी कोई भी घटना ऐसी हुई नहीं है। सिर्फ मतलब ऐसा तो कोई पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने तो कोई ऐसी कोई घटना देखी नहीं है। हाँ देश में ऐसी चीज़ें हैं जो मीरा रोड में जब हुआ था लफड़ा हुआ था उस समय भी तो वहाँ बुलडोजर चला अवैध बताकर तोड़ा गया। वो किसी का घर अगर अवैध है तो अवैध तो बहुत जगह पर अवैध है, किसी का घर देना चाहिए। अवैध घर नहीं किसी का घर नहीं तोड़ा गया, जब अवैध होने के बाद तोड़ा जाता है। सवाल कुर्ला में तोड़ा गया। अच्छा ठीक है आप कुर्ला बताएंगे कि एनसीपी शरद चंद्र पार्टी के कार्यकर्ता भी है अयाज बबलू क्या बताएं? सिंगल घर को कुर्ला के अंदर बीच में तोड़ा गया, आजू बाजू में भी घर इस तरफ में भी घर, लिटरली उसको टारगेट करके उसका घर तोड़ा गया। तुम्हारा लोधा जो तुम्हारा लोधा ब्लेंड किया था वो आज पड़ोसी के आसपास के उनके झगड़े थे, उस झगड़े को उसने हिंदू मुस्लिम करार दे के इनका बीजेपी का अध्यक्ष बॉम्बे अध्यक्ष मुंबई अध्यक्ष बीजेपी का मुंबई अध्यक्ष लोढ़ा जिसने एक घर को कांग्रेस एक आस पड़ोस के लोगों का एक हिंदू था एक मुस्लिम था दोनों के बीच में कुछ खटपट हो गई। नॉर्मल है हर जगह पे बॉम्बे में रहने के वाले लोग हैं उनकी आपसी खटपट को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर उस मुसलमान का घर पूरा बीच में से खाली तोड़ दिया। इस साइड का भी घर बच गया, इस साइड का भी घर बच गया, क्या नहीं बॉम्बे में तोड़ा गया बोल क्या बताएंगे।
ऐसी देखिए ऐसी कोई भी घटना बहुत सारी इनको मालूम आती किधर है, ऐसी कई घटनाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर है कि इस तरीके से देश का माहौल है जहां मुसलमान अब ये बोलते हिंदू खतरे में अरे भैया आप देखिए 2014 से मुसलमानों पे क्या आफत आ रही है। मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ भाई, शहर मुमरा 95% मुस्लिम इलाका है तो इनको ये समझना चाहिए जहाँ शहर के अंदर मुस्लिम लोग रह रहे हैं वहाँ यहाँ भाजपा का सपोर्ट करना मैं तो शर्मनाक बात है। मैं तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर सुनिए वो एक मिनट ये इनकी इनकी सुनिए ना भाई एक मिनट ये इनकी आज़ादी है किसी भी पार्टी में जा सकते हैं किसी को सपोर्ट कर सकते हैं ऐसा आप नहीं बोल उनका व्यक्तिगत इसका जवाब इसका दावा बताने की जरूरत नहीं है हम कांग्रेस से इनको बताने की जरूरत है कौन सी पार्टी इसका बाला साहेब की एकनाथ शिंदे की इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ के इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि ये बोल रहे कि सपोर्ट करने पे इनको बहुत बुरा लगता है तो ये पूछे क्या एनसीपी सुप्रीमो की इनके पास गारंटी है क्या इलेक्शन जीतने के बाद बिन शर्त समर्थन जिस तरह पिछली बार भी दिए थे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और वो अगर फिर से दे देंगे तो क्या ये महाविकास आघाड़ी या इनकी अलायंस या एनसीपी एनसीपी की कोई उस टाइम पे एनसीपी ने जो समर्थन दिया था वो डेवलपमेंट के नगरी से दिया था। ये लोग ने बड़ी बड़ी 2014 ये लोगों ने 2014 में बड़ी बड़ी डेंगे मारे थे कि हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे वैसा डेवलपमेंट करेंगे ये करेंगे वो करेंगे उस बुनियाद का अलग मामला था। 2014 में शरद पवार का बीजेपी को समर्थन देने की मकसद अलग थी और आज जो देश के हालात है उस बुनियाद के हिसाब से कोई पार्टी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करने वाली उनकी जो अलायंस पार्टी अकाली दल थी उसके साथ छोड़ दिया। आज जो इंडिया अलायंस 40 साल पुरानी अकाली दल उन्होंने उसके साथ छोड़ दिया। आज जो चुनाव हो रहा है लोकसभा चुनाव ये काफी अहम माना जा रहा है। इंडिया अलायंस का सबसे अहम मुद्दा जो इंडिया अलायंस बता रही है कि संविधान बचाना है तो संविधान का दरअसल खतरा किससे? देखिए जिस हिसाब से आपका हेगड़े मेरे ख्याल से कहीं महाराष्ट्र का एक सांसद है जिसने पहली शुरुआत की जिसने कहा था कि 400 सीट आप बीजेपी को दीजिए बीजेपी जो है देश से संविधान को खत्म कर देगी। ये शुरुआत वहां से हुई है समझे वो उसने तुक्का मारा था और ये इनका ये एजेंडा बन गया बाकायदा ये तुक्का था और ये एजेंडा हो गया। दे दो संविधान खत्म करेंगे पहला से ये पूछिए कि संविधान खत्म करने में पहला फेज शुरू हुआ जब पहला फेज शुरू हुआ पहले फेज में समर्थन ये लोग ने 400 पार का नारा दिया जब इन्होंने देखा कि संविधान की बात आई ओबीसी एसटी और आपके जो एनटी वगैरह है और ओबीसी वगैरह है दलित समाज के लोग है ये लोग ने इनका साथ देना छोड़ दिया तो ये लोग ने 400 पार का नारा खत्म कर दिया। दूसरा फेज जब आया दूसरे फेज में लोग ने हिंदू 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 किया हिंदू मुसलमान किया हिंदू देश के नॉन मुस्लिम्स ने इनका साथ छोड़ दिया। उसके बाद में मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग 80% 90% वोटिंग बुल्डाना 100% वोटिंग नांदेड़ 100% वोटिंग 90% तेलंगाना के जो सीएम है हमारे कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने इनके नारे को बायफोगेट कर दिया कि अगर 400 लाना है तो पाकिस्तान भी जाके लड़ना पड़ेगा बांग्लादेश भी जाके लड़ना पड़ेगा इंडिया से 400 नहीं मिलेगा। क्या कान में धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई? देखो जहां तक कि अभी ये बात कर रहे ना कि कांग्रेस ने कोई अत्याचार नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो छोटा मोटा इशू ने 1971 में जब इमरजेंसी लगा था तो वो संविधान का हिलाना नहीं था वो कितने ये बोलते ईडी लगा के जिनके पास में पैसे हैं उनको अंदर डाला जा रहा है तो वो टाइम पे जिनके पास में बिचारों के पास में पैसे नहीं थे ऐसे नेताओं को उठा के जेलों में डाला गया है तो तब वो नेता क्या थे अरे लेकिन मुद्दा तो है अभी ये कहा जा रहा है जैसे आप लोगों ने कहा तभी का क्या लेना देना ये कहा जा रहा है जो इंडिया अलायंस पार्टी उनके तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चल रहा है ऐसे में नरेंद्र मोदी का जो एक बयान सामने आया था मंगल सूत्र को लेकर कि जमीनें छीन ले जाएंगी और घुसपैठियों को जो है दे दिया जाएगा तो दरअसल कौन घुसपैठी है? मुसलमान जो है वो घुसपैठिया इनको जवाब देने दीजिए जवाब देने दीजिए ये ऐसी चीजों को लेके बल्कि एनसीपी और इंडिया अलायंस इसी चीजों के ऊपर ऐसी उनको मुद्दे ही ऐसे लग रहे हैं कि ये घुसपैठी वाली बात ये बात वो बात उसके अलावा उसके बाद भी
इवन उसके बाद भी उसके बाद भी मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिए, उसके बाद भी मोदी जी ने इंटरव्यू दिए कि मुसलमानों से उनको सवाल किया गया मीडिया के थ्रू, क्या आपको मुसलमानों से तकलीफ है, क्या कुछ ऐसा है, तो उन्होंने खुले तौर पर बोले मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं है। खुले तौर पर उन्होंने उस इंटरव्यू उसके थोड़े दिन के बाद ही वापस एक और इंटरव्यू दिया, और उसके अंदर उन्होंने खुले तौर पर बताया जो ये जितने अभी जैसे मामले हैं, जो ये भी जितने भी बोलते हैं, तो ये लोग ना एक आधी क्लिप चलाते हैं। अभी जो राज ठाकरे साहब ने भी जो कल के दिन 12 तारीख के परसों के दिन जो क्लिप दी, उसके अंदर उन्होंने शुरुआत ऐसी की कि इस देश में मुसलमान बहुत अच्छे भी है, जो जिनको ना दंगे से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं है क्या? अरे यार एक आदमी बोल रहा है, उसको बोलने दो, या तो तुम लोग अकेले ही बात कर लो। तो इतने बड़े नेता है, तुम लोग अकेले बात कर लो। आप हम लोग को तो बोलने दो ना। आप कट करके क्लिप क्यों चला रहे? आप अधूरा सच क्यों बता रहे? आप अधूरा सच क्यों चला रहे? तो सुनने दो ना, हम लोग को बोलने दो। उसके अंदर उन्होंने एकदम साफ तौर पे बोला कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मुसलमान हैं जो अच्छे हैं। इसका जवाब दो ना। उसके अंदर जो जितना भी डेटा रिकॉर्ड है वो होम मिनिस्ट्री का आरटीआई से डाला हुआ रिकॉर्ड है। अभी एनसीपी के ही मैं आपको एनसीपी के एनसीपी के इनके वकील है शारिक करके, वही कहा है कि जो छूट गए हैं लोग तो उनके बारे में भी उनको बताना चाहिए। नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे अच्छे लोग भी मुमरा से निकलते हैं, यूपीएससी से आईएएस बने हैं, यूपीएससी से गए फॉरेन में जाके अच्छी जॉब पे काम कर रहे हैं, एमडीए सीईओ है। तो समाज को अपने को आज तकलीफ मुमरा में किस बात की है? आज आम लोगों से पूछो तो कोई भी घर से किसी की माँ बहन निकलती है तो हर चौराहे पे चर्ची मिलते हैं आपको। आज है ना, पब्लिक को तकलीफ है कि नहीं इन सब चीजों से? इधर यार आप पब्लिक को तकलीफ है कि नहीं इन सब चीजों से? इससे ज्यादा तो बेरोजगार है। डिबेट करने बैठे हम लोग, यहाँ पर डिबेट चल रहा है भाई, बिना वजह आप मुमरा वाले को चर्सी बता रहे हो। यार ये कौन सी बात हो गई? घर से निकलते चर्सी मिलते, मेरे घर से तो निकलते कभी चर्सी नहीं मिला मेरे को। आज आम, अरे नेताओं को तकलीफ थोड़ी ना है, वो तो नेताओं को तकलीफ थोड़ी ना है, नेताओं के ही लोग रहते हैं, नेताओं के ही पंटर रहते हैं, ये नेताओं को तकलीफ थोड़ी ना होगी। आम पब्लिक के पास जाइए, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, हम सुनिए। आप यानी आप चर्सी है क्या? मैं आप नेता के कार्यकर्ता, आप चर्सी है क्या? ये चर्सी है क्या? कुछ बात कर रहे हो यार, सुनिए। कोई चर्सी लोकसभा चुनाव पे बात हो रही है, लोकसभा चुनाव का जो कल्याण लोकसभा चुनाव, लोकसभा मुमरा शहर के अहम मुद्दों पर बात करिए, अहम मुद्दे जो मुमरा शहर के उस पे बात कीजिए। मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ, आप ही लोग चिल्ला रहे हैं कि खासदार यहाँ का जो है दौरा कर रहे हैं, लेकिन 10 सालों में कुछ काम नहीं किए। तो वही पूछ रहा हूँ, कौन कौन से काम है जो खासदार ने नहीं किए, आप बताइए। और कौन से काम? मैं पहले इनके सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने बोले राज ठाकरे ने वो बोला मुमरा के बारे में, और आप बता रहे जब घर से निकले तो चर्सी मिलते, किसको चर्सी मिलते भाई? और आप बोलते आप नेताओं के कार्यकर्ता जो चर्सी होते, तो आप कार्यकर्ता आप चर्सी है क्या? आप चर्सी है क्या? आप कार्यकर्ता है? किस हिसाब से आप बोले चर्सी है करके? 10 साल में कोई तरीका है क्या? मुमरा में ड्रग्स नहीं है? 10 साल में इनके हिसाब से मुमरा के अंदर कोई ड्रग्स नहीं फैला रहा है? इनके आप जगह कोई हर जगह कोई नगर पालिका का काम नहीं है? तो टाउन प्लानिंग सर बात करो, ये बातें चलती हैं। आप लोग विकास पे बात कीजिए, आप लोग जो कल्याण लोकसभा का जो विकास है, जो अहम मुद्दा है, उस पर बात कीजिए। आप लोग जब प्रचार कर रहे हैं, अभी आप वैशाली दरेकर का प्रचार कर रहे थे, तो क्या बता रहे थे लोगों को, क्या कैसे जीत कर आना चाहिए? देखिए लोकसभा का चुनाव है, ये केंद्र की नीतियों पे चलता है, ये आपके देश के मुद्दे पे लोकसभा का चुनाव है। प्रचार कर रहे क्या क्या नीतियां हैं? प्रचार के अंदर हमारा एक ही मुद्दा है, हम मुमरावासी का एक ही मुद्दा है कि हमको बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ वोट करना है। हमको संविधान को बचाना है। जब संविधान बचेगा तो मुमरा का रोड भी बनेगा, जब संविधान बचेगा तो मुमरा रेलवे स्टेशन भी बचेगा, जब संविधान बचेगा तो आप भी बचेंगे, जब संविधान बचेगा तो मैं कपड़े पहनूंगा, जब संविधान बचेगा तो आप क्या खाएंगे वो मिलेगा, जब संविधान बचेगा तो आप कैसे रहेंगे वो बचेगा। खाली देखो बात यहाँ पर है ना, मुमरा के लोगों को गुमराह करने का काम मत करो आप लोग। मैं तो बोलता हूँ एक नेक नियति से आप लोग क्लियर डिबेट करो कि मुमरा के लोगों का क्या फायदा होगा वोट देने से। मैं बता रहा हूँ ना, देखो जब अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोग हमारा अहवाल लेके लोगों तक पहुँचे कि हम लोगों ने 10 साल में हम खासदार थे तो हमने ये काम किया है, उस काम को आप चैलेंज करो ना। आप लोगों ने हमेशा एक इलेक्शन से पहले किताबें लेके आते हैं कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो वो काम करते हैं क्या? लेकिन हम लोगों ने आपके सामने अहवाल रखा है कि 10 साल में हमने क्या काम किया है, वो काम की पोच पावती हम लोगों को लोगों से चाहिए, और वो हम लोग लेके रहेंगे। और आगे जो काम करने वाली बात वर्क इन प्रोग्रेस में मैं आपको बताऊँगा कि मुमरा रेलवे स्टेशन
अमृत भारत 12 रेलवे स्टेशन है जिसमें मुमरा रेलवे स्टेशन शामिल है, ये खासदार का काम होता है। उसके निधि उसकी, उसके बाद में जो ऐरोली से लेके कटई नाके का जो अंडर इसका टनल वाला रास्ता है जिससे 5 मिनट में आप ऐरोली पहुंचेंगे, ये हमारे खासदार का काम है। ऐसे काम है, एक मिनट मैं सुनिए 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 मैं जो टनल का काम है ना, मैं काम वो खासदार मैं आपको काम मिला देता हूं, एक दो मिनट दो मिनट खासदार से पहले के पास हुए काम है, मैं खासदार से पहले मैं इनको काम गिनवा देता हूं आयास भाई उसको बोलने देना यार, मैं अभी इनको काम गिनवा देता हूं, चिल्ला के क्या किसी की आवाज दबा, वही बताने जा रहे हैं नहीं होता है, मुद्दे पे बात हो रही है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे शहर के अंदर कुछ डेवलपमेंट होता है बराबर, अभी रोड यहाँ से जा रही है वहाँ से गटर जा रहे, ये काम नगर सेवक का नहीं है, ये काम आमदार का थोड़ी ना है, ये काम खासदार का भी नहीं है, ये काम है नगर पालिका के, शहर विकास जो होता है टाउन प्लानिंग वो प्लानिंग करता है। प्रदेश के अंदर भी जो भी काम हो रहा है ना, ये बता रहे टनल, ये बता रहे रेलवे स्टेशन, मंत्रालय का टाउन प्लानिंग काम करता है। सब 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 सरकारी सर सरकारी विभाग से सब काम होता है, लेकिन उसी लिए चुनाव होता है कि कौन खासदार बनेगा, कौन आमदार रहेगा, कौन नगर सेवक रहेगा, उनके हिसाब से उनका काम बटा हुआ है। काम तो सरकारी है ना, सरकार की तरफ से हो रहा है, लेकिन सबको काम दिया गया है। इनको ये सब चीजें नहीं पता, मैं इनको बता देता हूँ किस तरीके से अगर आप नासिक अपना ये जो थाना नासिक रोड है जिसपे 8 लेन का काम चालू है, काम नंबर 1 8 लेन का काम चालू है, समृद्धि महामार्ग से जुड़ रहा है वो काम नंबर 1, ये सब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट की मिलीजुली सरकार का जितने काम है वो गिना रहा हूँ मैं, आप सुन लीजिए। काम नंबर 1, काम नंबर 2 आप रेलवे स्टेशन के आप 5वीं और 6वीं लाइन का जो रेलवे स्टेशन का काम हुआ है, लिफ्ट एस्केलेटर वहाँ पे कितने केस होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ों से लड़ा गया और वहाँ पे वो सब चीज़ें लाई गई। आपको याद रहेगा मापे रोड के ऊपर जो सिलफाटा का जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक हुआ करता था, वहाँ पे ब्रिज बना के दिया गया, ट्रैफिक कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, पूरा बाईपास तक के पूरा जाम रहता था। कल्याण का कौन करेगा, बता रहा हूँ ना, ये 10 में से 1 काम करके जता रहे हैं आवाम का, आवाम का, आवाम को भटका रहे हैं, ये सब आवाम को भटकाने का काम कर रहे हैं। जवाब देता हूँ मैं, अभी मैं इनको और भी गिला, बाईपास से लग के जो मुमरा बाईपास के पास जो ट्रैफिक होता था, इनके लोगों तो इनके तो कितने जितने नगर से हो गए उनको तो कोई फिक्र नहीं थी, करके दिए ना, वो काम भी करके दिए ना। मुमरा शहर के एक मुमरा शहर, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए उसके बाद जवाब दी। मुमरा शहर के ऐसे कई इंटरनल अंदरूनी जो रास्ते हैं वो इसी बार जो है खासदार श्रीकांत शिंदे की निधि से, करीब 70 करोड़ की निधि अलग अलग नगर सेवकों को दी गई, 55 करोड़ की सबको दी गई, सबने रास्तों को बनाया भी है, ये बात है कि भाई मैं इस बात से पहले इनके सवाल का जवाब दूंगा, मुमरा स्टेशन पे पहले मेरे को बताओ 5 नंबर 6 नंबर प्लेटफॉर्म किधर है, 4 है 3 है 4 नंबर प्लेटफॉर्म किधर है, लेन इन्होंने कहा 6 लाइन बोले ना इन्होंने, मुमरा स्टेशन पे बताओ ना 5 नंबर 6 नंबर किधर है, 6 बोले आप, हां 6 बोला ना इन्होंने, और 4 लाइन के बाद किधर रुकती हो बताओ मेरे, नहीं नहीं सुनिए, जो जैसे ये गलती कर रहे हैं ना वैसे इनके वरिष्ठ भी ऐसी गलती, हां नहीं नहीं ठीक है, आज गलत बोलने पे इनको तकलीफ है, काम करके दिए है उतना काम करके दिए है, सही बात है, लेकिन काम सुनो ना सबसे बड़ा मुद्दा सुनो ना काम करके दिए, ये काम करके दिए, 6 नंबर प्लेटफॉर्म बोलने में मिस्टेक हो जाना, ये मिस्टेक बोलने में, सुनिए ना अच्छा एक मिनट से हुई थी, एक मिनट सबके खाते में 15 लाख, आप तो छोड़िए, क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि नाम क्या, नाम क्या, मेरा नाम मिर्जा राहिल आजमी, किससे पूछने चाह रहे थे इनसे, ये कह रहे कि बीजेपी के फायदे और उनकी, वो बता रहा हूँ क्या किए देश में, तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है, वो कम करे ना, ये ब्रिजे बना क्या लोगों का पेट भरेगा, बीजेपी भी जरूरी है ना, जरूरी है, लेकिन अगर लोग भूखे मरेंगे तो क्या मतलब इन ब्रिजों का। अग्निवीर जैसी स्कीम जब भारत में लेके आई गई तो इसका अगेंस्ट, इसका विरोध किसने किया आपको पता है, इसका विरोध इनकी पार्टी कांग्रेस ने किया है,
अगर ऐसी चीज़ जो बहुत सारी जो जॉब दे सकती थी ऐसी चीज़ों का तो विरोध कर देते। MSP करके एक स्कीम लाई गई थी जो फार्मर जो किसानों के लिए बेनिफिट थी, चार साल के लिए उसमें नौकरी ऐसी चार साल भाई जो अग्निवीर स्कीम जो है, अग्निवीर स्कीम जो है, अग्निवीर जो स्कीम है पेंशन को बंद कर दी है, ये क्या बात करेंगे? अग्निवीर जो स्कीम है चार साल के लिए टेम्पररी बेस के लिए आ रही थी, हम देश का कोई ऐसा एक नौजवान ला के बताओ अग्निवीर स्कीम इन्होंने लाए, MSP इन्होंने लाए, मैं क्या बोल रहा, मेरी बात तो सुनो भाई, MSP इन्होंने लाए, देश में सारे किसानों ने आंदोलन किया, MSP इनको माफी मांग के वापस लेनी पड़ी, देश में अग्निवीर स्कीम लाए, देश का एक यहाँ जितने खड़े हुए हो सकता कोई इसके अंदर अग्निवीर में गया होगा, एक नौजवान ऐसा ला के दिखाओ जो अग्निवीर के फेवर में हो, देश का एक, मैं आपका खाली यहाँ का नहीं बता रहा हूँ, पूरे देश में कोई ऐसा वो ला के दिखाओ नौजवान जो अग्निवीर स्कीम में जाना चाहता है। चार साल अग्निवीर में काम करने के बाद वो जब रिटायर होएगा, चार साल में उसका बाप रिटायर नहीं होएगा, वो रिटायर हो जाएगा अग्निवीर में, जब वो जॉब करेगा, जब अग्निवीर में वो जॉब से निकलेगा, चार साल में बेरोजगार हो जाएगा, चार साल में बेरोजगार होने के बाद नौकरी ढूंढेगा, उसको नौकरी मिलेगी सिक्योरिटी गार्ड की। जो योजना आई थी ये बता रहे, यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, यहाँ पे सब सुनो तो पानी पिलाने वाला कोई नहीं था यहाँ पे, वो सिर्फ खाना खिलाने वाला। अग्निवीर योजना की जो है पूरे भारत में विरोध हुआ चार साल के अंदर, आप समझिए, देखिए विरोध, मैं आपको ये पॉइंट नहीं बता रहा, ये पब्लिक को मैं समझाना चाह रहा हूँ, पब्लिक को समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी अच्छी स्कीम जब लाई जाती है तो ये उनका, इनका सिर्फ क्या काम है इंडिया अलायंस का, सिर्फ विरोध करो, चाहे वो पब्लिक के फायदे की रहे या इनको वरगलाओ। आज हिंदू मुस्लिम के ऊपर ₹450 हुआ था भाई, गैस महंगाई कितनी, महंगाई कितनी, महंगाई की बात कौन करेगा, इतनी महंगाई है, ₹400 का महंगाई की, आप महंगाई की बात करते ₹400 का देंगे, बनाओ महाराष्ट्र में छोटा सा एग्जांपल देता हूं, केंद्र में सरकार ₹400 देता हूं, राहुल जी ने मैनिफेस्टो दे दिया है, राहुल जी ने मैनिफेस्टो, मैं क्या बोल रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देश अगर इनके हाथ में होता ना तो पाकिस्तान की तरह ₹1400 किलो का आटा खरीदना पड़ता, 70 साल हम इनको पता चलता। अच्छा ये बताओ, एक मिनट, अच्छा बीजेपी सुनिए ना भाई, इसने बनाया है बीजेपी के लोग जो है ना, जब बात करते हैं तो वो हिंदुस्तान में रहते रहे, पाकिस्तान क्यों पहुंच जाते, श्रीलंका की हालत देख लो, पहले कहां था, बांग्लादेश की हालत देख, तो कोविड के बाद भारत में महंगाई नहीं है क्या, आम लोग, आम पब्लिक जो रोजमर्रा के सामान खरीदने में उसकी कमर टूट जा रही है, बार बार आप लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, आपको मैं देश संभालने की नीति बताया हूँ, मैं इस्लामुद्दीन भाई, देश संभालने की नीति, आजू बाजू के देश के हाल हवाल हो गए कोविड के बाद, हाल हवाल हो गए की नीति, मतलब पाकिस्तान का नाम ले लेंगे, आपको एग्जाम्पल दिया गया, आप किसी भी देश में देखिए ना, आप अमेरिका तक के देश के अंदर जैसे अपने देश की बात करो ना भाई, देश देखो, देश ये हमारे देश की बात, ये जो इलेक्शन है देश का इलेक्शन है, ये जो इलेक्शन है यहाँ से जो बाहर, मैं बताता हूँ ना भाई यहाँ से जो बच्चे, एक मिनट सलमान भाई बोलने दीजिए, यहाँ से जो देश के बच्चे जो बाहर जाते हैं ना, वॉर में भी फंस जा रहे हैं ना, तो ना इंडिया का झंडा लगा के आ रहे, दूसरे देश के लोग भी आज बाहर इंटरनेशनल ग्लोबली इमेज क्या हिंदुस्तानियों की, आज हिंदुस्तानियों की इमेज क्या है, अगर ये इंडिया अलायंस वाली सरकार अगर सरकार रहती कोविड के वक्त पे अगर इनकी सरकार रहती तो आज इंडिया में भी हालत क्या होती पता है आपको, इंडिया में भी भुखमरी आ जाती, बहुत सारे लोग मरते, ₹1400 किलो मिलता आटा, आप श्रीलंका में देखिए, थोड़ा सा आम पब्लिक से, आम आदमी श्रीलंका में देखिए क्या, आम आदमी के नाम क्या नाम कर रहे हैं, मोहम्मद इसारुलक फारूकी जी बोलिए, भाजपा सरकार की ये खूबी है कि हमारे सैनिकों को कुछ लोग आ करके घुस करके पुलवामा जैसी जगह में घुस करके हमारे 40 फौजियों को घुस करके उनको शहीद कर देते हैं, ये हमारी भाजपा सरकार है, कहाँ से आया आज तक पता नहीं चला, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, नहीं पार कर सकता, जो कैसे आया आरडीए, जो मजहब के नाम पर मंदिर मुसलमान पाकिस्तान उनके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं है, जनता को विकास चाहिए, एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई पर रोकथाम करने वाली बातें होनी चाहिए, और ये जुमलेबाजी से देश नहीं चलता, बहुत सही भाई, बहुत लेकिन सही, ये लोकसभा चुनाव में क्या नाम बताया आपने, मोहम्मद इसारुलक फारूकी, फारूकी चलेगा तो संविधान से,
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए जो मुसीबत से उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो संविधान की रचना की गई, उस संविधान की धज्जियाँ अगर किसी ने उतारी है, उड़ाई है, तो भारतीय जनता पार्टी। मैं इस भारतीय जनता पार्टी को एक नाम दिया हूँ, भारत जलाओ पार्टी। और एक मेरा स्लोगन है, मेरा एक स्लोगन है, वो भारत के हैं मोदी जिन्होंने घर घर कब्र खोदी। भारतीय जनता पार्टी की आप जवाब देंगे? कोई आम जनता है, देख आम जनता है, उनको गुमराह किया जाता है। जवाब है आप न्यूज आप इतना सब आप ये मेरे भाई जो आज निकलते रहेंगे, आज सुनिए ना मैं बताता हूँ ना, आज ये निकलते रहेंगे, ये निकल के यहाँ से बम्बई जाए या कोई दूसरे स्टेट में जाए, कोई इनको क्या तकलीफ होगी आप मेरे को बता दीजिए। लेकिन जब न्यूज देखेंगे ना, न्यूज देखने के बाद इनको ऐसा लगता है कि बहुत 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 ज्यादा तकलीफ है, तकलीफ हुई है, पूछो उनसे। आई एम गिविंग जस्ट महीने का मतलब, ये नफरत का बीज अगर किसी ने बोया है तो एक पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी। नफरत कभी नहीं थी, गोली की घटना सामने आई थी, जो नाम पूछ कर एक कांस्टेबल ने मार दिया था गोली, जो कहीं ना कहीं जो ये बार बार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद होता है, ये लोगों के दिमाग में एक घर कर गया। ये जितनी भी ये पत्थर मार देगा, इस भारत की सरजमीन पर हम लोग पैदा हुए, मेरा बचपना गुजरा, हमने स्कूल में हमारे साथी हिंदू भाई थे, हिंदू बहनें थी, जो नॉन मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, लेकिन कभी हम लोगों ने बचपन में ये भेदभाव नहीं जाना कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। और भारत की जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदू का पहला शब्द हा और मुसलमान का पहला शब्द माँ, ये दोनों मिलकर के हम बने थे और देश को आज़ाद किया था। नहीं तो आज वही तहजीब को आगे बढ़ाते हुए आज हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहे, आज इसी 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 के ऊपर आज देश आगे बढ़ रहा है, आज जितना भी विकास हो रहा है। तो एक जहर घोला जाता है। नहीं तहजीब की मैं बात, किसकी तरफ से जहर घोला जा रहा है, तहजीब की मैं बात, किसकी तरफ से जहर घोला जा रहा है वो भी तो देखिए ना उन्होंने। अरे देखिए आम जनता है, अगर विकास होता है नहीं आप बताइए, आज विकास होता है, आज बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ाई करते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं फॉरेन में जाके जॉब करते हैं, इसमें मोदी जी आज का कमाल है। अरे तो कमाल है, क्या कमाल है, उनके मां-बाप दे रहे पैसा, मेहनत कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जाके पढ़ने की वजह मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए उसमें जो है फिर मोदी जी कांग्रेस बाहर जाके पढ़ने की वजह ये है कि हिंदुस्तान के अंदर फीस इतनी महंगी हो चुकी है, इस वजह से यहाँ के बच्चे जाके बाहर स्वीडन, कैलिफोर्निया, कोलंबिया यहाँ जाके पढ़ाई कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर MBBS के लिए 1-1 करोड़ रुपया देना पड़ रहा है, वहां जाके 3 लाख रुपए पर सालाना वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, 5 लाख रुपए में उनका साल भर का खर्चा पूरा हो जाता है। पहले मालूम दीजिए बाहर पढ़ाई का खर्चा कितना है। एजुकेशन पे बोलिए, बहुत देर से खामोश हैं आप। एजुकेशन पे जो काम हमारे पार्टी के हो रहे हैं वो सारी योजनाओं के माध्यम से कवर किए जाते हैं। अभी मैं ज़्यादा बड़ी हिंदुस्तान और महाराष्ट्र लेवल की बात नहीं करूँगा, लेकिन हमारे खासदार से ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी थी, हमारे करीबी खरड़ी रोड पे डिप्लोमा कॉलेज है, उसको डिग्री कॉलेज वो जैसी चुन के आएंगे उसके बाद में करेंगे, वो कोई इलेक्शन का एजेंडा नहीं है। एक तुम जो सोच जानना चाह रहे थे ना कि एजुकेशन की तरफ हमारा क्या ध्यान है, तो वो ध्यान मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद में हम लोग का अगला एजेंडा ये है कि हम लोग जो म्यूनसिपाल्टी स्कूल है उनको डॉक्टर साहब के साथ में हमारी बातचीत हो चुकी है, और हम लोग उसको जिस तरह से CBSE और इंटरनेशनल बोर्ड जिस तरह से चलाए जाते हैं, उससे ज़्यादा एजुकेटेड टीचर्स हमारे महानगर पालिका में टीचर्स है, तो हम क्यों ना उनको यूटिलाइज किया जाए, उन लोगों को इस सोच को लेकर हम लोगों ने सिर्फ एटमॉस्फेयर बनाना है ना CBSE बोर्ड का और इंटरनेशनल बोर्ड का, तो हम लोग उसकी तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा है कि हम लोग चुनाव के बाद में हम लोग उस थीम पर काम करने वाले हैं कि महानगर पालिका के जो एजुकेशन को हम लोग किस तरह से उसका स्तर बढ़ाए, CBSE लेवल पर लेके जाए या इंटरनेशनल बोर्ड में लेके जाए। आप लोगों का क्या प्लान है एजुकेशन पे? प्लान छोड़िए, अभी जिस तरीके से सुरेश साहब ने कहा कि सांसद साहब चुन के आएंगे तो वो जो कॉलेज है खरड़ी तालाब के पास उसको डिग्री करेंगे, बराबर। सांसद साहब पहली बार चुन के आ रहे हैं क्या?
साल से 2014-2019 अच्छा, 10 साल से उनको वो कॉलेज नहीं दिखा डिग्री काम किए शहर की ट्रैफिक का हाल देगी और शहर के आज भी है ना आज भी है शहर की आज भी है शहर की सांसद साहब 10 साल से आज तक क्यों नहीं आए 10 साल से क्यों नहीं अपना बयान दिए अरे 10 साल में 10 बार आए क्या मुमरा गिनाओ 10 साल में 10 बार आए क्या मुमरा अच्छा अगर देखिए अगर बात है ना तो हम बोलेंगे अगर बात है तो हम भी यही बोलेंगे कि जब वैशाली दरेकर चुन के आएगी ये जो म्यूनसिपल स्कूल है जो 14 स्कूल चलता है हम 14 अलग अलग स्कूल बनाएंगे ये भी हम बोलते हैं क्या सवाल क्या है मेरा देखो मैं गैर सियासी हूँ अगर जुल्म और नाइंसाफी को होते हुए देखते रहें और उसको बदलने के बजाय उसके खिलाफ बोलने के बजाय फिर उसी जालिमाना निज़ाम को वोट देते रहें तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है याद रखें जब हम किसी को वोट देते हैं तो वोट उसको नहीं बल्कि उस पर मुंतखब होने वाले फर्द की करप्शन को उसकी बुराइयों को और उसको जालिमों को कानूनी अधिकार दे रहे हैं तो आपका वोट ऐसी जगह इस्तेमाल करें जो आपके शहर और आपके मुल्क के काम आ सके मैं यही कहना चाहता हूँ इस तरह की आम नागरिक है लेकिन देखो कितनी बेहतरीन बात बोला है उन्होंने मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना अभी देखो जिस तरह से हमारे धर्म में हिकमत भी कोई चीज़ होती है मुमरा कलवा में बहुत सीरियस एक टॉपिक पे अभी बात करने जा रहा हूँ कि जो 24 कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र है इसमें 6 विधानसभाएँ आती है इसमें 6 विधानसभाओं में हाँ 5 विधानसभाओं में मेजॉरिटी में शिवसेना के जो हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे एकदम मेजॉरिटी में वो जीत के आ रहे और रही अभी इस विधानसभा मुमरा कलवा विधानसभा की बात है तो इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारे समाज के लोग एकजुट होकर किसी पार्टी को वोट देने वाले और वो चुन के आने वाला है इस तरह का नहीं मैं तो बोलता हूँ एक टीम बनाओ आप लोग और पूरे जो कल्याण लोकसभा क्षेत्र है उसमें दौरा करो और जो जीतने वाला है उसको वोट दो और उससे बार्गेन करो सारे मुसलमान मिलके बोलते ना मुस्लिम हिंदू बोलते ना मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोला मेरे को बोलने दो जिस तरह से आप लोग एक टीम तैयार करो अपनी और वो 6 विधानसभाओं में जाके दौरा करो और उसमें देखो जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको वोट दो और उससे बार्गेन करो कि तुम हमारे मुमरा कौसा के लिए क्या करने वाले अब हमारी ताकत इतनी है कि हम लोग शिवसेना के हैं तो शिवसेना को हमेशा यहाँ पर 10,000-12,000 मुमरा से वोट मिला है तो जो सांसद है वो उतना ही ध्यान देगा यहाँ पर तो अब तक उन्होंने उतना ही ध्यान दिया है कहने का मतलब जितना वोट है उतना ही काम काम होता ही है ना होता ही है जिधर अभी अभी मुझको ये बोलो कि इनके ये इनके जो नगर सेवक रहने दो या विधायक रहने दो ये उसी तरफ ध्यान देते ना अपने पॉकेट पे पॉकेट किसको बोला जाता है पॉकेट पे ध्यान देने का मतलब क्या कि वो पॉकेट से हमको वोट मिलता है इसके लिए उस नेता का झुकाव उस तरफ रहता है तो अगर हम लोग अगर 25,000-50,000 वोट तक अगर सांसद को चुन के लाएंगे तो क्यों नहीं हमारे विकास के बारे में सोचेगा क्यों नहीं हमारी तरफ ध्यान देगा क्यों नहीं काम करेगा हमारा दो चीज मतलब हम उनके रहमतल में पले दो चीज जब हम उनको वोट देंगे तो काम करेंगे दो चीज ऐसा है क्या भाई ने अपने उसके अंदर स्पीच के अंदर 2 बार शिवसेना का नाम लिया मैं एकदम प्यार से खाली ये पूछना चाह रहा हूँ भाई क्लियरिफिकेशन करें शिंदे साहब की शिवसेना की उद्धव साहब की शिवसेना एक चीज आप क्लियरेंस दें में ये निशानी है नहीं अरे वो तो लोगों को मालूम है किसने लेके गया किसने अनधिकृत शिवसेना अनधिकृत शिवसेना वो जाने दे दूसरी चीज हमारे एक नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष है इमरान प्रताप गढ़ी जी उनका एक उनका 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 एक बेहतरीन जुमला है जो सरकार अपना खुद का बनाया हुआ 2000 का नोट 5 साल नहीं चला पाई वो देश को चलाएगी क्या बहुत बेहतरीन जुमला है एक मिनट भाई इन्होंने इन्होंने कहा मोबिन भाई ने कहा कि खासदार को जितना वोट मिलता है मुमरा कौसा से उतना ही वो काम करते हैं यहाँ पर लेकिन जब वो जीत कर आते हैं तो उनको तो काम बराबर करना चाहिए हर जगह पर मैं वही कहना चाहता हूँ इन्होंने सीधा सीधा मुमरा वालों को एकदम वो बता दिया
क्या बोलते हैं उसको, मजलूम बता दिया। 12,000 वोट मिलते हुए भी उन्होंने 55 करोड़ की निधि मुमरा को दी है और लोगों ने काम करा के लिए यहाँ के लोगों ने। जब जमीन खसकती हुई दिखती है ना तो 55 करोड़ क्या 500 करोड़ भी देंगे? 12,000 में जमीन क्या खिसकेगी हमारी? जमीन तो आप लोगों की खिसक रही है। भाई एक मिनट, जब 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने बोला कि 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जीत रहे, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे को जितना वोट मिला था उतना ही काम करेंगे। बहुत ज्यादा काम किया। आज मैं बता देता हूँ ना, छोटा सी एग्जांपल नहीं लगा, एक मिनट, सारे स्टेशनों पे एक्सीलेटर लग गया, कानूनी दाव पेच चल रहा था, कोई कानूनी दाव पेच नहीं भाई, काय का केस चल रहा था यार, वाले ने केस करके रखा था, इसी बहुत सारी चीजें अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर जगह पे जहाँ बाहर जो राइट जिस जगह पे केस चल रहे वो अलग है, उसी जगह पे जिस जगह पे केस चल रहे वो अलग है। मैं इनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने जितना भी कार्य किया है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज व्रिज बनाया है शहर के दोनों एग्जिट पॉइंट पे, शहर के दोनों एग्जिट पॉइंट पे व्हाट्सएप ने बनाया है। श्रीकांत शिंदे तो अभी आ रहे हैं, 6 महीना पहले। कौन सा ब्रिज? ये मुमरा का ब्रिज, जो मुमरा बाईपास पे जो काम हो रहा था ये अवार्ड साहब की देन है। अवार्ड कुछ नहीं क्या है, सब श्रीकांत शिंदे ने, ये जितना रोड बना हॉस्पिटल से लेके मुमरा में जितना कारोबार हुआ है। आपका नाम सुन लो पहली बात, अवार्ड एक नंबर का झूठा मकरबाज। अभी म्युनिसिपैलिटी से आ रहा हूँ, आज खाली वो टैक्स पावती आती, नाम चाहे शब्दों का थोड़ा ख्याल रखो, कुछ उल्टा बात मत करो, शब्दों का ख्याल रखो। हक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुमरा में ये जो कैंसर है ना, ये 6 महीने के बाद जाने वाला है, ये जो कैंसर फैला के रखा है ना, ये 6 महीने में खत्म हो जाएगा। 3 साल पहले कहाँ थे वो तो पूछो, 3 साल पहले कहाँ थे वो तो पूछो चाचा। ऐसा है, आज शहर की ट्रैफिक की हालत वही, सही बात है, सही बात, ट्रैफिक की हालत वही, पूछे ना इनके इनके नगर से, वो से इन्होंने बोला ना, हार्ट अटैक हो, गलीजत हो, कुछ भी हो, अवार्ड साहब यहाँ का आमदार था, आमदार है और इंशाल्लाह आमदार रहेगा। वो आप बोल रहे हैं मेरी बात सुनिए, काम करने की जो बात है, 2014 में श्रीकांत शिंदे साहब जीते, 2014 में अवार्ड साहब भी यहाँ पर एमएलए थे, उसके बाद में दोनों की मिलके सत्ता बनी थी, यहाँ पर खासदार साहब देखने भी नहीं आते थे, जैसे इन्होंने बताया। एक मिनट, अरे एक मिनट, अब भी इन्होंने बोला जितना वोट मिला उतना काम किया, और ये आके बताया इतना काम किया तो उतना वोट मिला, काम कैसे किए इनको दोनों का सामने, इनके आमदार मिसगाइड करते थे। नाम क्या आपका? डिबेट कराओ इनकी। परवेज अहमद से पार्टी से हो? कितना वोट मिला? भाजपा से। भाजपा से? ये तो मुबीन भाई बोल रहे थे कि जितना वोट मिला उतना ही काम करेंगे। नहीं, वोट से नहीं कर रहे, वोट मिला ऐसा नहीं, मुमरा में काम हुआ है, और अगले अभी जो वोटिंग होगी ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट जो है ये शिवसेना को मिलेगा। ये तो कह रहे हैं वैशाली दरेकर को मिलेगा, मुसलमानों को, कि उसको दोगे तो मुनाफिक हो जाओगे, उसको दोगे तो ये हो जाओगे, ये सब झूठी बातें फैलाई जा रही है। ये कौन फैला रहा है? अवार्ड फैला रहा है। वापस बोलता हूँ, ये दोनों लोग से और इनसे भी सवाल है, ये तो छोड़ दो, डिबेट के हिस्से नहीं थे तो आ गए, फिर भी ये दो अभी ऑफिशियल आपके वो है डिबेट में आए हुए, मैं इन दोनों से सवाल करूंगा। जिस हिसाब से मुबीन भाई ने बोला ना, जितना वोट देंगे उतना काम होएगा, आने वाले इलेक्शन में अगर उनको 10,000 वोट मिलेगा तो 10,000 का काम करने वाले क्या? देखो कितना काम कर रहे हैं, हमको बता दो। अब तक है ना, जितने 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 वोट मिले हैं, तो जो हमारे जो तुम्हारे आमदार है ना, वो अरे यार अभी जाओ, अरे मैं क्या बोलता हूँ, एक खासदार के अंडर में 6 विधायक रहते हैं, तो विधानसभा में जो चुन के आता है आमदार, वो खासदार को बोलेगा ना कि इसमें ये हम मेरे क्षेत्र में ये काम लगेगा, तो उसकी क्रेडिट लेते हुए आया उसने, वो क्रेडिट मिले नहीं सांसद, हमारे सांसद को हवाई हवाई क्या हवा जो बात की आप खड़ी बोल देगा, तुम्हारा आमदार बोल रहे, बोल दे, छोड़ दो, मैं एज ए पब्लिक, बोल दे पब्लिक, डिबेट आप सुनिए, मैं सिर्फ एज ए पब्लिक सवाल है मेरा, जहाँ भी आपके व्यूअर्स होंगे, जो जो भी लोग आपको सुन रहे होंगे, उनसे एक ही अपील है कि लोगों की गुमराहियत पे गुमराह मत होना, इंडिया अलायंस को जिताओगे तो देश में सुख और चैन पाओगे। मेरा इनसे एक ही सवाल है, मेरा इनसे एक ही सवाल है, सुनिए ना, मेरा इनसे एक ही सवाल है कि यहाँ पे शिवसेना का कोई नेता
कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो उसको कांग्रेस चला रही है या एनसीपी चला रही है? सुनो ना, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है। इधर देखिए, शरद चंद पार्टी एनसीपी के है, ये कांग्रेस हालत देखिए। अच्छा, दूसरी चीज होना जरूरी है, कैडर भी तो होता है, कैडर भी तो होता है। आप शीर्षक के कैडर है? नहीं नहीं, आप शीर्षक के कैडर इंडिया अलायंस में है ना, तभी तो बोला इंडिया अलायंस में है। इससे पूछो, कैडर रामनर ने खत्म कर दिया? नहीं नहीं, इधर आप लोग हमारे डिबेट में आए और डिबेट का हिस्सा बने। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखेंगे कि जिस तरह से जो डिबेट हो रहा था यहाँ पर, और काफी अच्छा ये जो है एक बहस चली, क्योंकि कल्याण लोकसभा से जो है शिवसेना पार्टी, जो दो शिवसेना है, शिंदे गुट उद्धव गुट, दोनों के अलग अलग उम्मीदवार, एक तरफ से श्रीकांत शिंदे और दूसरे तरफ से जो है वैशाली दरेकर है। और चुनाव जो है वो अब 20 मई को मतदान होने वाला है। देखने वाली बात यही है कि आखिर विजयी कौन होता है।